गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे भारत की जनता। मैं शांतपना मिश्रा फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपने एक नया ब्लॉग के साथ। तो आज मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज खाने में बन रहा है कुछ स्पेशल, बन रहा है इडली। सो इडली हम सबका बहुत फेवरेट है, स्पेशली मम्मी के हाथ का। तो हम सब आए थे अभी दिवाली पे घर, मतलब हम तीनों भाई बहन अपने होम टाउन। तो मम्मी हम लोग के लिए बना रही हैं इडली सांभर और मूंगफली की चटनी। इसके बाद हमारा प्लान है नून में जाने का। यहाँ पे पास में एक बिरला मंदिर है, वहाँ हम जा रहे हैं अपने होम टाउन में ही। सो लेट्स स्टार्ट आवर डे, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। तो पापा जी को हो गया है शुगर और उनके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है। तो अभी उनका आलू, उनका मतलब चावल, ये सारी चीज़ें बंद है। तो हम पूरा कंप्लीट डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं। अरे पापा जब वहाँ गए थे बुआ जी के घर, तो वहाँ उन्होंने टेस्ट कराया तो उसमें शुगर निकला है। एंड थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि पापा अभी इस एज में ही उनको शुगर हो गया है, तो थोड़ा दिक्कत है। पर आई विश कि उनका शुगर कंट्रोल रहे और बिल्कुल ठीक हो जाए। तो अभी इनिशियल लेवल पे स्टार्ट है, हम फिर से एक बार चेक कराएंगे आफ्टर 1 मंथ। तो देखते हैं क्या होता है, फाइनल रिपोर्ट के बाद फिर हम उनको वैसे ही डाइट चार्ट फॉलो कराएंगे। बन रही है गर्मा गर्म चाय सभी के लिए। दाल और चावल को मिला के फुला दिया है, तो ऐसी ली है मात्रा कि 2 कटोरी दाल तो 1 कटोरी चावल, और ये है नहीं 2 कटोरी चावल तो 1 कटोरी दाल, ये बुआ ने बताया है। मूंग उड़द की दाल और इसमें है बिना छिलके वाली उड़द की दाल और चावल, ये भी आप देख सकते हो। मेरी बहन ने दाल को पीस लिया है, चावल दाल दोनों को पीस के इडली का बैटर तैयार कर लिया है। और अब इसे हम रखेंगे कुछ देर धूप में खमीर आने के लिए, उसके बाद हम शाम में बनाएंगे इडली। बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग कौन बड़का है हमारे मायके का, गुड मॉर्निंग है कोई आपको याद कर रहा है? अच्छा, तोने के याद कर रहा है। बोल दीजिए, बेचारा इंतजार कर रहा है। हाँ, मैं दांत का मजाक नहीं उड़ाइए। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। गुड मॉर्निंग राधे राधे, तो बोल दीजिए। राधे राधे बोली नहीं। हाँ राधे राधे, काहे को बोली, काहे को चाय पी घर बनी और राधे राधे बोली। अच्छा, चाय देखिए दादी चाय पी रही ना, इसलिए राधे राधे नहीं बोली। तो आज बोल दीजिएगा बस, ठीक है? बाय बाय तो बोल दीजिए। बाय 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 मेरा बाहर मतलब के बात नहीं लेके उठा दिया। गुड नाइट बोले। गुड मॉर्निंग, जल्दी बोलिए। गुड मॉर्निंग, अरे बोलिए यार, जल्दी बोलिए। राधे राधे। मैं हो गई हूँ रेडी और हम निकल रहे हैं बिरला मंदिर की तरफ। आपको दिखाएंगे पूरी मंदिर और पूरा हम एक्सप्लोर करेंगे। हम चारों भाई बहन जा रहे हैं और मैंने ये वियर किया है सूट, तो मैं आपको पूरी वीडियो क्लिप में दिखाऊंगी। फिलहाल हम निकलते हैं मंदिर के लिए। तो हम और हम निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनी की तरफ। मैंने अपने बाल को बांध लिया है क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है और वहां जाके हम करने वाले हैं बहुत ज्यादा एंजॉय।
तो ये है बिरला मंदिर, जिसे भवतारिणी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे बिरला ग्रुप्स ने बनवाया है। भवतारिणी माता की पूजा की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में माता भवतारिणी की मूर्ति स्थापित है। पूरी मंदिर जो है पूरी मार्बल से बनी हुई है, स्टोन से बनी हुई है, तो बहुत ही अच्छी नक्काशी है। और सारे मंदिर की जब आप परिक्रमा लोगे तो अलग अलग मूर्ति बनाई गई हुई है, पूरी स्टोन से बनी हुई मूर्ति, बहुत ही सुंदर। इसका कैंपस काफ़ी बड़ा है और बहुत ही अच्छी यहाँ पे ग्रीनरी है। आप आओ, मॉर्निंग में या इवनिंग में आ सकते हो। टाइमिंग इनके इनकी इस मंदिर के ओपन होने की 6 AM to 11 AM है, और इवनिंग में अगर आप आते हो तो शाम 5 बजे से लेकर रात 9:30 तक ही ओपन रहता है। तो आप ज़रूर विज़िट करें, जो भी लोग बुढ़ार में रह रहे हैं, अमलाई में रह रहे हैं, या फिर नए आए हैं कहीं बाहर से, तो इस मंदिर में ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांति और बहुत अच्छी एनर्जी है पूरे मंदिर में। वैसे मंदिर में तो आपको सुकून मिलता ही है, पर यहाँ पे एक अलग ही वाइब्स है। चारों तरफ ग्रीनरी है, आप यहाँ पे 1-2 घंटे आके आराम से फैमिली फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हैं अच्छे से पीसफुली वातावरण में। मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जिसमें मेडिटेशन करना अच्छा लगता है। तो ये है ओवरऑल बहुत सुंदर मंदिर। काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे पर हम जा नहीं पाए थे, फाइनली हम विज़िट किए और गए पूरा मंदिर। और फोटोग्राफी भी करनी है तो आप आगे यहाँ पे कर सकते हो। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अभी आप पूरी मंदिर को देखिए, और ये हम तीनों भाई बहन हैं साथ। ये मंदिर के बैकवर्ड साइड बना हुआ है, फ्लावर का पूरा कट होके पूरा बहुत अच्छे से बनाया गया है, तो हम लोगों ने यहाँ पे फोटो ली, माँ लिखा हुआ है यहाँ पे। ये है हम चारों भाई बहन की फोटो, और ये मंदिर की इवनिंग की बहुत सुंदर लाइटिंग के साथ पूरा है कि मेरी ताकत मेरे भाई बहन है, क्योंकि हम चारों ने बचपन से लेके अभी तक बहुत कुछ देखा है और हम साथ साथ हमेशा रहे, तो आज हम चारों ही साथ आए थे। बहुत अच्छा रहा मंदिर का ट्रिप। आपको मंदिर कब से है और कितने टाइम से है ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगी। अभी हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ, सो स्टे ट्यून। आ गए हैं पानी पूरी खाने के लिए। फाइनली हम बचपन की यादों को वापस से ताज़ा करते हुए, ये हम चारों भाई बहन बचपन में बहुत खाते थे, बहुत सालों बाद ये कुछ मिला है खाने के लिए ये वाली चीज़। और ये है पूरा अमचूर लगा हुआ इस पे लकड़ी पे, ये 1 रुपए का एक, पहले हम 1 रुपए का 4 लेते थे और हम चारों खाते थे। सो बचपन की याद को ताज़ा करते हुए मैं खा रही हूँ, बहुत टेस्टी है। तो पहले हम बहुत, हम चारों भाई बहन जब स्कूल जाते थे तो ज़रूर ये खाते थे और लौटने टाइम भी लेते थे। तो इसी के साथ करती हूँ मैं अपना डे एंड। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। इडली आज नहीं बन पाई है क्योंकि इडली के लिए उसमें खमीर नहीं आया था, तो कल इडली बनेगी। और खाने में अभी बना था इवनिंग में आलू और बरबटी की सब्जी और रोटी, जो हमने खा लिया है। रात के बज रहे हैं 10, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो कल फिर मुलाकात होगी अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।